सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे दबाएं जिससे मेरे अपडेट आपको मिलते रहें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केकेआर के न्यू कप्तान के बारे में। सबसे पहले ये दो बार चैम्पियनशिप हो चुकी है और इस बार ये लोग बिल्कुल अलग ही टीम के साथ उतर रही है। पूरे यंगस्टर हैं इन लोग की टीम में। तो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि इनके पास कोई कप्तान नहीं है जो लीड करे पूरे टीम को। तो आज हम लोग बात करते हैं कि इन लोग ने अनाउंस कर दिया है कि इनका एक कप्तान होगा। चलिए बात करते हैं वो कौन है। आप सभी को मालूम ही होगा कि स्टार्टिंग के कप्तान सौरभ गांगुली इस टीम को लीड करते थे और उनके सूझबूझ के साथ ये लोग खेलते थे। फिर इस टीम को गौतम गंभीर लीड करने लगे और इनके कैप्टनशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स दो बार चैम्पियनशिप हुई, एक बार 2012 में और एक बार 2014 में। इस साल गौतम गंभीर दिल्ली के टीम से खेलेंगे और वही प्रॉब्लम हो गई कि अब के क्या रख गया न्यू कप्तान कौन बनेगा। तो चलिए इस वीडियो में बता ही देते हैं आपको कि के क्या का न्यू कप्तान कौन है। तो इस साल का न्यू कप्तान दिनेश कार्तिक हैं। ये तमिलनाडु के भी कप्तान रह चुके हैं और अब केकेआर को ये लीड करेंगे और अपनी सूझबूझ से केकेआर को फ्रंट फुट पे लाएंगे। तो लोग को तो मालूम हो ही गया है कि केकेआर के न्यू कप्तान अब दिनेश कार्तिक हैं।